हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शारजा रमजान T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर नदीम क्रिकेट क्लब वर्सेस UAE चैंपियन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ICC अरेबियन T20 के वीडियोस मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर IPL के वीडियो पूरा मिल जाएंगे। देखो पूरा लीग हम लोग कवर करने वाले हैं IPL, तो IPL के भी पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाले हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, तो इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 9:45 पर शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। देखो पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर रन्स अच्छे बनते हैं, इवन बात करें यहाँ पर रन्स की तो 110 के प्लस मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा कभी भी यहाँ पर 120-130 रन के आसपास भी जा सकता है। बात करें ऐसे चेजिंग रिकॉर्ड की, तो चेजिंग के आंकड़े इक्वली हैं, ऐसे 48 मैच के अंदर 25 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 23 बार यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, तो ये कुछ आंकड़े इक्वली है। बात करें ऐसे NDC की, NDC ने 5 मैच खेले, 2 मैच जीते, 3 मैच हारे। ओपनिंग में कौन है, तो वकास अहमद खान के साथ सुफियान अमीन ने ओपनिंग करवाया। अभी इंपॉर्टेंस की बात करो, देखो वकास अहमद खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, पहली मैच के अंदर 42 किए थे फिर 30 किए थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, डेफिनेटली लेके जाना है। सुफियान अमीन की बात करो तो पहली मैच के अंदर 25 किए थे, दूसरी मैच के अंदर ऐसे 5 रन पे आउट हो गए। ओवरऑल यहाँ से 130 मैच के अंदर करीबन 39 के एवरेज से 4484 रन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, इनको भी लेके जाना है। तो ओपनिंग में से हम लोग दोनों को लेके जाएंगे, इसमें भी यहाँ पर वकास अहमद खान के ऊपर आप लोग यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। मोहम्मद अल्ताफ की बात करें तो इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, तो रिस्की तौर पर ट्राई करो कि अगर कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग से इनको चांस मिल रहा है लेकिन परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। वैसे ओवरऑल 247 मैच के अंदर करीबन 30 की एवरेज से 4879 रन है, तो डिफरेंशियल में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अब्दुल रहमान VII यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, टीम के कप्तान भी है और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, अभी तक का 23, 24 और 27 जैसे स्कोर किए, ओवरऑल करीबन 63 की एवरेज है, 313 मैच का अनुभव है, करीबन 63 की एवरेज से ऐसे 13400 प्लस रन है, 35 विकेट निकाली उस दौरान, तो ऐसे इस बंदे को लेके जाना है विकेट कीपिंग सेक्शन से डेफिनेटली। इनके अलावा से जाहिद अमीर लास्ट मैच के अंदर 54 रन की पारी खेली। देखो इनके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो लास्ट टूर्नामेंट जब खेले थे ना, वहाँ पर रेगुलर 2-4 ओवर्स की गेंदबाजी करवा रहे थे, यहाँ पर इन्होंने अभी तक ओवर्स नहीं करवाई, लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से अच्छा एडवांटेज दिया, तो रेगुलर यहाँ से इससे पहले देखो 3 मैच के अंदर फेल रहे, तो मेरे लिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क रहेगा, मुझे को अगर चॉइस ना मिले तो इनसे लेके जा सकते, बाकी स्मॉल लीग के लिए ओके ओके रहेंगे। यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने रिनाइज किया तो यहाँ पर रेहान खान ने पहली मैच के अंदर 28 रन किए, इसके बाद कुछ खास चले नहीं है, तो इस प्लेयर को आप लोग ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। रिस्क इसलिए क्योंकि पिछले टूर्नामेंट अगर आप देखोगे तो बंदे ने कंसिस्टेंसी से आज से 2-3 विकेट निकाले थे, यहाँ पर इनकी दाल गली नहीं है, ना तो बैटिंग से ना तो बॉलिंग से, तो इसके लिए आज से आपको रिस्क अगर ले सकते हो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, बाकी इस प्लेयर को ड्रॉप करना काफ़ी रिस्की रहेगा। सुल्तान अहमद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा ऐसे ईशाद हुसैन कंसिस्टेंट है पूरी टूर्नामेंट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, लेके जाना है। इनके अलावा ऐसे हारून आरिफ जो है इनकंसिस्टेंट है, रेगुलर ओवर्स नहीं करवा रहे, पहले मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी और लास्ट मैच के अंदर यहाँ से 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई थी, तो ये थोड़े से रिस्की है, तो अगर कोई चॉइस मिले तो ट्राई करेगा, बाकी स्मॉल लीग के लिए ओके ओके रहेंगे। नासिर नदीम की बात करें तो पिछले दोनों मैच के अंदर 1-1 विकेट निकाली, ओवरऑल काफ़ी अनुभवी प्लेयर भी है और इन्हीं के नाम पे पूरा क्लब है यहाँ पर नदीम क्रिकेट क्लब, तो नासिर नदीम है, तो इनको रिस्की खेलो तो ट्राई करिएगा, क्योंकि ये भी रेगुलर ज़्यादा ओवर्स नहीं करवा रहे ना तो बैटिंग से ऊपर आ रहे हैं। इनके अलावा ऐसे फारिस फैसल को एज अ प्लेयर के साथ मैंने पहले भी यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन मेंशन किया हुआ है और अभी भी इस मैच के लिए भी मैं यहाँ से इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन सजेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग इनको एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। और बात करें ऐसे UC की, जो कि
छः मैच खेली है, दो मैच जीती है, चार मैच हारी है। ओपनिंग में कौन है? तो बंटी नंदी और यहाँ पर नोमान अली खान दोनों ने ओपनिंग करवाई। यहाँ से नोमान अली खान जबरदस्त फॉर्म में, तो देखो ज़्यादातर पब्लिक ऐसे बंटी नंदी को कैप्टन वाइस कैप्टनशिप करेगी, लेकिन हमारा फोकस ऐसे नोमान अली खान के ऊपर रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए। 26 रन के साथ एक विकेट इन्होंने लास्ट मैच के अंदर निकाली, इसके पहले 34 रन किए थे और बंदे ने पहली मैच के अंदर इसे 60 रन किए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, डेफिनेटली एज अ प्लेयर तो लेके जाना, इवन कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। इकराज शाह के ओवरऑल रिकॉर्ड तो मिले नहीं है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से इन्होंने 15 रन जरूर किए और तीसरे नंबर पे बैटिंग के लिए भी आए थे। रिस्की खेलो तो ट्राई करिएगा, बाकी स्मॉल लीग के लिए हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। रेहान खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, डेफिनेटली लेके जाना है, कंसिस्टेंट है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। ऐसे लास्ट मैच के अंदर भी हमारे कप्तान थे जहाँ पर इन्होंने 48 रन की पारी खेली और इसके पहले भी हमारे वाइस कैप्टन थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लेके जाना है। इनके अलावा ऐसे मोहम्मद उस्मान 17 रन किए लास्ट मैच के अंदर, इसके पहले 44 रन किए थे। ओवरऑल अगर रिकॉर्ड की बात की जाए 162 मैच के अंदर करीबन 45 की एवरेज से 5900 से ज़्यादा रन है, 939 रन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। उस दौरान इन्होंने 37 विकेट भी निकाले हुए, तो डेफिनेटली लेके जाना है। अब्दुल मन्नन ओके ओके रहेंगे, उमर नदीम ओके ओके रहेंगे, इन दोनों प्लेयर को आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह खेलो तभी ट्राई करेगा। बाकी यहाँ से एक और प्लेयर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया हमें, और वो है यहाँ से हारून अल्ताफ। देखो हारून अल्ताफ का क्या है ना कि पिछली टूर्नामेंटों अगर आप देखोगे तो ऐसे 35, 32, 35, 79 जैसे स्कोर किए, लेकिन इसके पहले इन्होंने जो लीग वगैरह खेली हुई है ना, यहाँ पर मैंने 5 मैच ही ऐड किए हुए इसके पहले वाले के, लेकिन इसके पहले इन्होंने सेंचुरी तक लगाई हुई है। तो काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा प्लेयर है और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी प्लेयर भी है और सीनियर प्लेयरों के साथ खेला हुआ प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर इनकी दाल कोई गली नहीं है और वैसे भी बैटिंग से काफ़ी नीचे आ रहे हैं, तो अभी के लिए इनको लेके जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो आप लोग अगर स्मॉल लीग में इनको लेके जाने के लिए बोल रहे हो तो ऐसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क खेलते हो, ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हो या फिर वन साइडेड लॉस वाला खेलते हो, तभी आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए ओके ओके रहेंगे। राजेश मौली पहली 4 मैच के अंदर या से 3 मैच के अंदर विकेट निकाली, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इनसे उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है अगले मैच के अंदर वापस यहाँ से 1 से 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे आपको, तो ऐसे राजेश मौली को डेफिनेटली लेके जाना है। इनके अलावा से रंजीत राय वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और देखो रंजीत राय की बात करो तो 133 मैच के अंदर 130 विकेट है, 555 रन है। बैटिंग से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो पहली मैच के अंदर बंदे ने 2 विकेट निकाली, फिर दूसरी मैच की बात करो तो 1 विकेट मिली, फिर तीसरी मैच की बात करो तो वापस इन्होंने 2 विकेट निकाली, फिर चौथी मैच की बात करो तो वापस इन्होंने 1 विकेट निकाली। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है देखो, अगर आप लोग अगर ध्यान दे रहे हो तो ऐसे 2-1-2-1 वाला फॉर्मूला चल रहा है, हो सकता है अगली मैच के अंदर वापस ऐसे 2 विकेट निकाले, वैसे ये लॉजिकली बात है, लेकिन वैसे विकेट टेकर गेंदबाज है और हर एक मैच के अंदर ऐसे 1 से 2 विकेट लेता हुआ दिखेगा, तो जरूर उन्हें लेके जाना है। मनीष चौहान की बात करो तो मनीष चौहान को रिस्की खेलो तो ट्राई करिएगा, क्योंकि ये पूरा ओवर्स तो करवा रहे हैं लेकिन विकेट्स के मामले में थोड़े से कंजूस हैं। 1 विकेट यहाँ पर निकाली है, इससे पहले इनको 1 विकेट मिली थी, बाकी ओवरऑल 178 मैच के अंदर 125 विकेट है, तो अगर कोई चॉइस मिले तो ट्राई कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग के लिए इनको लेके जाना काफ़ी रिस्की रहेगा, तो आप लोग ग्रैंड लीग वगैरह में ही इनको ट्राई करिएगा। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें अगर विकेट कीपिंग सेक्शन की तो ऐसे अब्दुल रहमान को लेके जा रहा है, इनके साथ ऐसे बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो बंटी नंदी है, नोमान अली खान है और यहाँ पर रेहान शाह को मैंने लिया है। देखो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं, लेकिन इनको ड्रॉप करना काफ़ी बड़ा रिस्क है, तो इसके लिए मैंने इनको लिया है। बाकी आप लोग इनकी जगह पर किसी और प्लेयर को भी ले सकते हैं, यहाँ से रेहान शाह की जगह पर आप लोग ऐसे जमीर को ले सकते हैं या फिर ऐसे मौली को ले सकते हैं, मौली ने भी लास्ट मैच में ओवर्स नहीं करवाई थी, इसके लिए मैंने ऐसे रेहान शाह को ही लिया है। और ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर रेहान खान है, इनके अलावा ऐसे सुल्तान अहमद है, इनके अलावा ऐसे वकास अहमद खान है, मोहम्मद उस्मान है और ऐसे रंजीत राय हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ से आप लोग मैंने जैसे बताया जमीर को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में आप यहाँ पर फारिस फैसल और यहाँ पर क्या नाम है इनका, हारून आरिफ, इस प्लेयर को मैंने लिया है। बाकी ऐसे मौली को आप लोग ट्राई कर सकते हो, बाकी अदर ऑप्शन सारे ठीक ठाक है, इसकी ऑप्शन है। टीम की बात करूँ तो टीम को जिस तरह से रहने वाली हमारी कि रेहान खान कैप्टन है और वाइस कैप्टन ऐसे सुल्तान अहमद है, अदर चॉइस की बात करो तो एक यहाँ से वकास अहमद खान है और एक है यहाँ से फारिस फैसल और यहाँ पर बंटी नंदी। और जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर बताया, यहाँ से आप लोग नोमान अली खान के ऊपर रिस्क ले सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप का। रिसेंटली बंदा अच्छा फॉर्म में है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से, तो इनको आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेरी टीम कुछ इसी तरह से रहेगी, याद रहे जो टीम है डेमो है, फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटेसी डिसेंट चैलेंजर या फिर आप सर्च करिएगा @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा,
मिलेगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।